हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर टिप्स बाय यामी। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेक्सी ब्यूटीफुल ब्लाउजेज टॉप्स, जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं, ट्रस्ट मी। तो चलो, अगर देखने में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। ये है मीशो का सबसे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव टॉप, बहुत ही सस्ता है और क्वालिटी वाइज अगर बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन इसका जो कपड़ा है ना, वो थोड़ा थिन है, ठीक है। और अगर आप वाइट कलर में लेते हो या किसी भी लाइट कलर में लेते हो ना, थोड़ा सा सी थ्रू हो सकता है। लेकिन इसके अंदर, जैसे मैंने ब्लैक ट्यूब ब्रा पहनी है तो इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत ही हल्का सा आपको शेड आ रही होगी, क्योंकि लाइट कलर के टॉप हैं और फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी थिन फैब्रिक है। लेकिन फिर भी जो इसका फैब्रिक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा समर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये टॉप ना मैंने कॉम्बो में ख़रीदा था, सेपरेटली नहीं ख़रीदा था, तो मुझे और भी सस्ते प्राइस में मिल गया था। जो भी प्राइजेज होंगे ना, वो स्क्रीन पर मैं आपको मैंशन कर दूँगी कि मुझे कितने कितने के पड़े हैं ये। इसके साथ ही मैंने दूसरा ये वाला टॉप खरीदा था, ये इसका दूसरा कलर है, ब्लैक कलर, और इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं, तो अपने चॉइस के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो। फैब्रिक सबका सेम है, ठीक है, कलर कोई भी ले लो। मैंने एक ब्लैक कलर में लिया क्योंकि ब्लैक कलर एक ऐसा कलर है जो कि होना ही चाहिए सबके पास, है ना, मस्ट हैव कलर है ये। और ये कलर मेरे पास पहले नहीं था, तो ये कलर भी मुझे ट्राई करना था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। इनफैक्ट ब्लैक से भी ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि एक तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये बेबी ब्लू कलर, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगा यार, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये मेरे को ब्लू डेनिम जीन्स के साथ भी अच्छा लग रहा था और ब्लैक ट्राउज़र के साथ भी बहुत सुंदर लग रहा था। एक और अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये वाले नेक जो होते हैं ना, ज़्यादातर अगर अच्छी फिटिंग के ना हों तो ये यहाँ से झूलने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत लूज़ यहाँ से होगा तो बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, फिटिंग अच्छी नहीं होगी। तो प्रॉपर फिटिंग है इसकी, और इसके अंदर जो आप ब्रा पहन सकते हैं, या तो आप ट्यूब ब्रा पहन सकते हैं या आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहन सकते हैं। मैंने पहना है स्ट्रैपलेस ब्रा, जो कि ज़िवामी की है। मैंने कौन सी स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी है ना, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप मेरे चैनल पर ज़िवामी का हॉल देख सकते हो, उसमें आपको डिफरेंट ब्राज मैंने दिखाई हैं। तो बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस ब्रा वाले वीडियो में मिल जाएगी, ज़िवामी का हॉल में। तो वही स्ट्रैपलेस ब्रा आपको ऐसे वाले टॉप्स के अंदर नीडेड होती हैं। तो चलो, ये हो गए मेरे दो शेड दिए, होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो एल साइज लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा न लें। अगर आप मेरी हेल्थ के हैं, ठीक ठाक हैं, तो आप एल साइज पहन सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक साइज कम ले लोगे, अगर मैं मीडियम भी लेती तो आ तो जाता, लेकिन वो यहाँ से ऐसे हो जाता, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि एक तो कपड़ा वैसे ही थिन है, वो आ तो जाएगा क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, लेकिन वो ऐसे खिंच जाएगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा कपड़ा जो है वो थिन लगेगा। तो इसलिए मैंने एल लिया है, ताकि एकदम से वो ऐसे स्ट्रेच ना हो, ठीक है, और कपड़ा और ज़्यादा पतला ना दिखे। तो यही रीज़न था मेरा एल लेने का, जो कि मेरे को परफेक्टली आया है, जो कि आप देख सकते हो। हमारे नेक्स्ट टॉप की तरफ, जो कि है ये ब्लाउज क्रॉप टॉप, और ये आपने अक्सर मीशो पे बहुत बार देखा होगा, तो इसके बारे में बहुत लोगों ने ठीक से नहीं बताया हुआ, तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, और इसको प्रॉपर आपको पहन के भी आपको बताती रहूँगी कि कैसे पहनना है इसको। तो सबसे पहले तो ये इस तरह का एक क्रॉप टॉप है, जो कि बलून स्लीव्स के साथ आता है। ध्यान रहे कि इसकी बलून स्लीव्स उतनी ज़्यादा पफ़ी नहीं है जितना कि ये फोटो में लगता है, ये थोड़ी सी कम पफ़ी स्लीव है, लेकिन लुक बहुत अच्छा देती है, नो डाउट, ठीक है। फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक है पॉलिस्टर फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल है, लेकिन पॉलिस्टर है लेकिन स्ट्रेचेबल है। थोड़ी गर्मी का एहसास आपको हो सकता है, ज़्यादा गर्मी में अगर पहनेंगे तो थोड़ा गर्मी आपको लगेगी, क्योंकि ये पॉलिस्टर फैब्रिक है, लेकिन जून जुलाई वाली गर्मी, चिपचिपे मौसम वाली, तो उसमें ये काफ़ी गर्मी लग सकती है इसमें, क्योंकि इसका फैब्रिक पॉलिस्टर वाला है ना, इसलिए। प्रिंट वगैरह, कलर वगैरह इसके फास्ट हैं, प्रिंट बहुत अच्छा है, एक ही कलर में आपको मिलेगा, एक ही शेड में आपको मिलेगा ये, इसमें कोई और कलर नहीं आता है। लेकिन ये वाला जो कलर है ना, बहुत ही प्यारा और फेमिनिन कलर है, जिसमें इस तरीके का टॉप है कि क्रॉप टॉप लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इसको साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो, ठीक है। आप इसके साथ ब्लैक साड़ी, पिंक साड़ी, ग्रीन साड़ी, वाइट साड़ी के साथ पहन सकते हो, किसी भी प्लेन साड़ी के साथ आप इस तरीके का मल्टी कलर क्रॉप टॉप पहन सकते हो। आजकल ब्लाउज कौन सिलवाता है यार, बहुत कम लोग आजकल ब्लाउज सिलवाते हैं, आजकल लोग टॉप क्रॉप टॉप ले लेते हैं, क्रॉप टॉप के साथ ही साड़ी वेयर कर लेते हैं, किसी भी साड़ी के साथ चल जाते हैं प्लेन साड़ी के साथ। इसमें आती है साइड में बेल्ट, ये बेल्ट आप इसको आगे की तरफ से भी बांध सकते हो और पीछे की तरफ से भी बांध सकते हो, क्योंकि ये सेंटर में लगी हुई है इस तरह से। ये देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये रैप डिज़ाइन है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे लगता है कि ये रैप डिज़ाइन है, लेकिन ये रैप डिज़ाइन नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये स्टिच है,
ये पूरी तरीके से स्टिच्ड है, ये कोई भी आगे से फ्रंट ओपन नहीं होता है, बस ये बेल्ट दी गई है ताकि आपको इसको टाइट करना है कमर की तरफ से तो आप इसको टाइट कर सकते हो, इसलिए ये बेल्ट दी गई है। इसमें आपको साइजेस अच्छे मिल जाते हैं, कोई भी साइज़ के आप हो, प्लस साइज़ के हो तो या फिर मेरे साइज़ के को अपना साइज़ इसमें इजीली मिल जाएगा। मुझे पर्सनली क्रॉप टॉप्स बहुत पसंद है क्योंकि क्रॉप टॉप में ना हाइट बहुत अच्छी लगती है, मतलब हाइट आपकी लंबी लगती है, और अगर आप लॉन्ग टॉप पहनते हैं ना तो उसमें इतनी अच्छी आपकी हाइट नहीं लगती, उसमें हाइट दबती है। तो अगर आप शॉर्ट हाइट है, आई एम नॉट अ शॉर्ट हाइट पर्सन, आई एम 5'6", तो अच्छी खासी हाइट भगवान ने दी है मुझे, लेकिन फिर भी मैं क्रॉप टॉप पहनना ही पसंद करती हूँ। लेकिन अगर आप शॉर्ट हाइटेड पर्सन हैं तो आप क्रॉप टॉप पहनिए और उसके साथ हाई वेस्टेड ट्राउज़र पहनिए या हाई वेस्टेड जीन्स पहनिए, तो जिससे कि आपका जो हाइट का इल्यूजन जो होगा ना वो काफ़ी अच्छा आएगा। इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट अगेन इसका नेक लाइन है, इसका नेक लाइन जो है ना वो स्वीट हार्ट नेक लाइन है और काफ़ी ब्रॉड है। एक होता है ना कि मतलब कुछ होता है कि यहाँ तक चिपका होता है फिर स्वीट हार्ट होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो जो सूट वूट में टेलर वाली आंटियाँ बना देती हैं ना, लेकिन इसका यहाँ से ये ब्रॉड, एक तो ब्रॉड में है, स्वीट हार्ट नेकलाइन है, तो बहुत सेक्सी लगता है। बहुत इस तरह की नेकलाइंस मुझे बहुत पसंद है, जैसे जो ब्रॉड में हो, स्वीट हार्ट में हो या फिर स्क्वायर नेकलाइन में हो, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सेक्सी लगते हैं। और इसमें आपकी नेक भी ना बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, अगर आप चौड़ा नेक पहनते हो या थोड़ा सा डीप पहनते हो तो इसमें नेक भी आपकी लंबी लगती है। तो अगर आपकी गर्दन छोटी है या फिर आपकी हाइट छोटी है ना, तो आप कोशिश करो कि बंद गले वाले टॉप ना पहनो, आप पहनो थोड़े से वी नेक वाले पहनो, थोड़े से डीप नेक पहनो, डीप नेक इतना पहनो ताकि आपका क्लीवेज ना दिखे, ठीक है। तो इसमें आपका क्लीवेज नहीं दिखता है बाय द वे, अगर जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ पहन के, तो इसमें आपको मेरा क्लीवेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यार क्लीवेज दिखता है ना तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो इसलिए मुझे ऐसे ही टॉप पसंद है जिसमें क्लीवेज ज़्यादा ना दिखे। बट ये टॉप बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत अच्छी लुक देता है, बहुत ही प्यारा है। फुल स्लीव्स में है तो धूप की तो टेंशन ही खत्म हो गई, क्योंकि पर्सनली मुझे ना फुल स्लीव्स टॉप ज़्यादा पसंद है अगर मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं गाड़ी में हूँ तो कोई बात नहीं, स्लीवलेस भी पहन लो, लेकिन अगर आप मैं गाड़ी में नहीं हूँ, मैं ऑटो में जा रही हूँ, रिक्शा में जा रही हूँ, तो फिर मेरे को फुल स्लीव्स ही चाहिए। अगर फुल स्लीव्स नहीं पहना होता तो मुझे अलग से आर्म्स लगानी पड़ती हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो फुल स्लीव्स बेस्ट है। अगर आपको ऐसे टॉप पसंद है जो कि थोड़ा फॉर्मल लुक दे और थोड़ा सेक्सी भी लगे, तो आज है मेरे पास आपके लिए ये वाला ग्रीन टॉप, जो कि अगेन एक सेमी क्रॉप टॉप है, ये बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं है और लॉन्ग भी नहीं है, ये आपका जहाँ तक आपका हाई वेस्ट का बेल्ट आता है ना, ये एग्जैक्टली वहीं तक आएगा, और इसलिए प्रॉपर क्रॉप टॉप मैं इसको नहीं बोलूँगी, इसलिए मैंने इसको सेमी क्रॉप टॉप बोला, लेकिन इसकी लेंथ जो है बिल्कुल परफेक्ट है इसके हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से। और इसका जो फैब्रिक है ना वो कॉटन नहीं है, वो क्रेप फैब्रिक है, क्रेप फैब्रिक भी गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और चिकना भी रहता है, तो इसमें आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छा प्यारा फैब्रिक है इसका, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा और कम्फर्टेबल भी है। कंफर्टेबल अभी तक मैंने आपको जो भी टॉप दिखाया है ना उनका फैब्रिक कंफर्टेबल है, अच्छा है, सॉफ्ट है, लेकिन बस जो अभी प्रीवियस वाला जो मैंने आपको दिखाया है ना, बस उसी में ही पॉलिएस्टर मिला हुआ है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्वेटिंग वाली जो गर्मी आ जाती है ना उसमें आपको थोड़ा गर्मी लग सकती है, अदरवाइज कपड़ा जो है वो उसका भी कम्फर्टेबल है, और इसका तो बहुत ही कम्फर्टेबल है क्योंकि ये क्रेप फैब्रिक है। इस टॉप का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट ये है कि इसका एक नेकलाइन और इसकी स्लीव्स, स्लीव्स इसमें आपको मिलती हैं बलून स्लीव्स, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि बंगाली लोग अपनी स्लीव्स पहनते हैं ना ब्लाउज की, बिल्कुल सेम ऐसी स्लीव्स हैं इसकी, और यहाँ पे इलास्टिक है, बिल्कुल भी डिग नहीं करेगा आपके स्किन में, तो कंफर्टेबल है, पता भी नहीं चलता कि इलास्टिक है यहाँ पे, और आपको एक पफी और बलून स्लीव्स का लुक भी बहुत अच्छा मिल जाता है, और आपका बस्ट एरिया जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ लगे और अच्छा लगे, तो इसलिए इसमें क्या है कि ना वेस्ट पे यहाँ पर इलास्टिक पैटर्न दिया है, इलास्टिक देने से क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, ऐसा इल्यूजन दिखेगा, आपकी कमर से बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे और पीछे दोनों साइड में आपको इलास्टिक मिल जाती है जो आपके बॉडी को बिल्कुल हक कर लेती है ऐसे, और ये टॉप बिल्कुल फॉर्मल लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है, इसे आप ऑफिस के लिए भी अपने रख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक लगेगा, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम योर कलीग्स। ये चलते हैं नेक्स्ट टॉप की तरफ, जो कि है ये वाला ब्लाउज, ये है प्रॉपर क्रॉप टॉप, ये हर एक को शायद अच्छा लगे या ना लगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मेरा ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला टॉप, क्योंकि यार
इसका जो पैटर्न है ना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हाई एंड ब्रांड के टॉप्स आते हैं ना, उस तरीके का पैटर्न है जो कि मीशो पे अवेलेबल है यार। लेकिन पता नहीं रियल में जब आएगा तो पता नहीं कैसा होगा, फोटो में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ट्रस्ट मी ये एग्जैक्टली मुझे रिसीव हुआ है जैसा कि मैंने फोटो में देखा था, बिल्कुल वैसा ही रिसीव हुआ है। ये ज़रा सा भी चेंज नहीं है। फैब्रिक है अगेन इसका क्रेप फैब्रिक है जो कि कंफर्टेबल है गर्मियों के हिसाब से। पहन के भी मैं आपको दिखा रही हूँ इसको कैसे पहनना है। ये है फुल स्लीव्स, इसमें आपको जो स्लीव्स मिलती है ना प्रॉपर बलून स्लीव्स हैं जो कि बहुत सेक्सी लगती हैं। स्लीव्स से ही इस टॉप की पूरी लुक बन जाती है, और इस टॉप को स्लीव्स के साथ और भी जो चीज़ सुंदर बनाती है वो है इसका नेकलाइन। इसका नेकलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपका क्लीवेज शो होगा। या अमेजोन पे क्लीवेज कवर मिलते हैं ना, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वैसे भी आप पहन के जा सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लीवेज नहीं दिखता, लेकिन हाँ फिर भी दिखता है। तो मे बी हर कोई कंफर्टेबल ना हो इस टॉप के साथ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, और पहनने के बाद आप देख ही सकते हो कि आपको भी ये ज़रूर अच्छा लगा ही होगा। ये टॉप बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हाल फिलहाल कुछ नहीं होने वाला इस टॉप का, काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से टॉप की तरफ जो कि है ये वाला ब्राउन टॉप। इस टॉप में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, लाइट कलर्स भी अवेलेबल हैं और डार्क भी। तो इसमें मैंने ब्राउन कलर लिया है क्योंकि ब्राउन कलर का कोई भी टॉप नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने ब्राउन लिया है जो कि एक बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर है। बात करें इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक जो है ना वो दिखने में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, लेकिन ऐसा फैब्रिक नहीं है, ये स्ट्रेचेबल है काफ़ी। ये ऐसा वाला पॉलिस्टर नहीं है कि स्किन पे चिपक सकता है ज़्यादा अगर स्वेटिंग होती है, लेकिन ये नहीं चिपकेगा क्योंकि ये प्योर पॉलिस्टर नहीं है, इसमें मिक्स है, इसमें कॉटन भी मिक्स है, इसमें लाइक्रा भी मिक्स है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा आपको गर्मी वर्मी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ धूप से ज़रूर सिक्योर कर लेगा ये आपको क्योंकि ये फुल स्लीव्स का है और बॉडी हगिंग टॉप है, बॉडी पे बिल्कुल फिट हो जाता है, इसका फिट बहुत अच्छा है। ये ना तो क्रॉप है और ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन इसका कॉलर नेक है तो ये आपको अगेन एक फॉर्मल वाइब दे रहा है। इसमें मेरा साइज़ मैंने एल लिया है और एल बिल्कुल परफेक्ट आया है, अगर मैं एम लेती तो वो मुझे टाइट आता, लेकिन मुझे कंफर्टेबल रखना था तो एल मुझे बिल्कुल परफेक्ट आया है। और इसका कलर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा कलर है, क्वालिटी फैब्रिक, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो इसकी क्वालिटी बेकार है, सस्ता है लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पता नहीं कैसे मिल गई इतने कम पैसे में इतनी अच्छी क्वालिटी का टॉप, जो कि आप शॉप वगैरह से अगर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है ऐसी क्वालिटी का टॉप, लेकिन क्वालिटी फैब्रिक की बहुत अच्छी है। मुझे कलर बहुत सुंदर लगा, काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है ये मुझे, और ब्लैक के साथ ब्राउन, इसको वाइट ट्राउज़र के साथ, जीन्स के साथ, किसी भी कलर के साथ पहन सकते हो, लाइट कलर के ट्राउज़र के साथ, लाइट कलर के बॉटम के साथ, बहुत ही अच्छा लुक देगा। और अगर ऑफिस के लिए देख रहे हो तो ऑफिस के पर्पज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि प्रॉपर एक फॉर्मल वाइब दे रहा है, और ऐसा नहीं है कि कैजुअली नहीं पहन सकते, कैजुअली भी आप इसको वियर कर सकते हो। तो गाइज ये था मेरा मीशो हॉल, एंड आई एम श्योर कि आपको जो भी टॉप्स, जितने भी टॉप्स मैंने आपको दिखाए हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सब में से आपको कौन सा पसंद आया और आपका कौन सा फेवरेट है, एक ना एक तो ज़रूर आपको बहुत पसंद आया होगा, आई एम श्योर। तो चलो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।